चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने अहल खाना के जरिए 24 अक्टूबर 2023 को कौम के नाम भिजवाया गया पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है जो एक बुजदिल भगौड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। माफी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम को फिर से सियासत में वापसी और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनाचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निजाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनघड़त और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रखा जा सके, या अगर इससे भी इनका जीना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक ना करवाकर मुझे कैदी बनाए रखे। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुजाहमत इन्हें खौफ सदा करती है। फिलवक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक हूं। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का जऊफ या कमजोरी तारी होती तो मुझे उसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले ही दो मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूंकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी भी आमादा नहीं हूंगा तो इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जुदोजहद अपने फैसला कुल मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशंस मुनक्किद किए जाएं और जब भी इंतखाबात का मौका आए इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली क्योंकि ये इमरान खान अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने का, ये आपका भी है जिम्मेदारी। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती है। आजादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या?